हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति फ्रॉम निर्भर एकेडमी। आई होप यू ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ सिंसियरली। सो लेट्स बिगिन विद योर इंग्लिश क्लास। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है आर ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, विच इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। एंड दिस वन इज चैप्टर वन ऑफ सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपकी जो क्लास 10th की सप्लीमेंट्री जो बुक है उसका जो नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसका ये चैप्टर वन है और इसी को आज हम करने वाले हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन दैट हाउ मैनी आर हैविंग द पेट्स। कितने बच्चों के पास पेट्स हैं? और अगर आपके पास पेट्स हैं, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आई विल ईगरली वेटिंग फॉर दिस। सो बिकॉज बच्चों को पेट्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पेट से बहुत प्यार करते हैं, तो आप मुझे इवन ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपका जो फेवरेट पेट है वो कौन सा है। सो सबसे पहले हम टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। आ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। ट्राइम्फ मीन्स क्या होता है? विक्ट्री। एंड सर्जरी क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट, आप ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी बोला गया, इसका रीज़न क्या है। सो अब मैं आपसे पेट के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि पेट के बारे में क्यों बात हो रही है। तो इसमें हमारा जो चैप्टर जो कंटिन्यू होगा वो एक बहुत ही प्यारे से पेट डॉग के साथ होगा, जिसका नाम ट्रिकी है। आप ये कह सकते हैं दैट ट्रिकी इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि मेन जो रोल प्ले है वो ट्रिकी का ही इसमें है, जो कि उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पैम्फ्री उसे बहुत प्यार करती है और उसको इतना पैम्पर करती है कि उसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर वी विल टॉक अबाउट ऑथर। ऑथर के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज हमारे जितने भी चैप्टर्स जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होते हैं उसमें सब में हम ऑथर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सो जेम्स हैरियट, जो जेम्स हैरियट हैं उनका जो फुल नेम है वो जेम्स अल्फर्ड वाइट। हैरियट वॉज एन इंग्लिश वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको वेट सर्जन आप बोल सकते हैं, वो वेट होते हैं, वेटरनरी सर्जन होते हैं। एंड राइटर, वो एक राइटर भी थे, वेटरनरी सर्जन भी थे और एक राइटर भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 3 अक्टूबर 1916 इन सुंदरलैंड इंग्लैंड। सुंदरलैंड इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। जेम्स हैरियट वॉज हिज पेन नेम। येस, वॉट इज द मीनिंग ऑफ पेन नेम? Actually, a name that a writer uses instead of his real name, his or her. मतलब वो अपना real name use नहीं करते हैं for publishing the book, they just use their pen name. तो यहाँ पर उन्होंने James Harriet अपना pen name लिया है और उनका जो real name है वो है James Alfred White. सो बींग अ नोटेड वेटरनरी सर्जन, बिकॉज के वो बहुत ही फेमस एक वेटरनरी सर्जन थे, सो ही यूटिलाइज हिज वास्ट एक्सपीरियंस इन राइटिंग स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। तो उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो एनिमल्स के जो कहानियाँ थी उनके बारे में लिखने में उन्होंने काफ़ी उनके बारे में लिखा है। एंड ही रॉट अ सीरीज ऑफ बुक्स ऑफ स्टोरीज अबाउट एनिमल्स एंड देयर मास्टर्स। तो मास्टर्स के बारे में भी लिखा है और साथ ही साथ एनिमल्स के बारे में, क्योंकि वो उनको ये बताना चाहते थे कि जो मास्टर्स थे वो अपने पेट्स को किस तरह से टेक केयर करते थे या किस तरह से उनको ट्रीट किया करते थे। तो ये सारा कुछ आपको उनकी स्टोरीज में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी में है, जो कि हम देखने वाले हैं कि मिसेस पैम्फ्रे जो है अपने पेट डॉग जो ट्रिकी है उसको किस तरह से ट्रीट करती है। एंड ही वॉज डाइड ऑन 23 फैब 1995 एट द एज ऑफ 78। उनकी डेथ हो गई थी 1995 में जब वो 78 ईयर्स के थे। सो आज का जो टॉपिक है वो अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी है, विच इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। एंड दिस वन इज पार्ट टू, बिकॉज इन द पार्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट वाज हैपेंड बिफोर दिस। सो इट इज द चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑफ क्लास 10th इंग्लिश बुक। सो चैप्टर वन है आपका। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि जो मिसेस पैम्फ्रे है उनके पास एक पैट डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है और वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, जिसकी वजह से वो उसको ओवर फीडिंग करती है और वो बीमार हो गया है। और जो डॉक्टर हैरियट हैं, जो कि नरेटर भी हैं, मिस्टर जेम्स हैरियट, वो उसको अपनी सर्जरी में लेकर के जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अगर वो ट्रिकी उनके पास मिस्ट्रेस के पास ज़्यादा टाइम तक रहता है तो वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। और इसीलिए मिस्टर हैरियट डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए, फॉर 15 डेज, ही वॉज टेकन टू द सर्जरी। उनकी जो सर्जरी है वहाँ पर उनको ले जाया जाता है, उनके क्लिनिक में ले जाया जाता है। और यहाँ पर अब हम आगे देखने वाले हैं कि विच ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी। यहाँ पर ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट जो है मिस्टर हैरियट देते हैं जिससे वो फिर से ठीक हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है।
So it is about ट्रिकी एट हॉस्पिटल। अभी ट्रिकी जो है वो कहाँ पहुंच चुका है, ट्रिकी कहाँ पहुंच गया है, ट्रिकी इज एट, ट्रिकी इज एट हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल पहुंच चुका है, मिस्टर हैरियट उसको हॉस्पिटल लेके जा चुके हैं। नाउ वी कैन सी दैट व्हाट हैपेंड देयर। सो इस तरह का जो ग्रुप है, पैक ऑफ डॉग जो है वहां पे मिलते हैं ट्रिकी को बहुत सारे, और किस तरह से ट्रिकी उनके साथ खेलता है या बिगनिंग में जो क्या रिस्पॉन्ड होता है इन सभी डॉग्स का, वो अब हम देख लेते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी। तो जो सर्जरी यहाँ पे क्या है, क्लिनिक किसका है, मिस्टर हैरियट का क्लिनिक, ठीक है। सो जैसे ही वो सर्जरी पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऑलरेडी डॉग्स हैं सर्ज्ड। सर्ज्ड मीन्स क्या होता है, घेर लिया, किसको, मिस्टर हैरियट को। सो सर्ज मीन गैदर्ड अराउंड, गैदर्ड अराउंड, चारों तरफ मिस्टर हैरियट के वो डॉग्स जो थे वो इकट्ठे हो गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइसी पैक विद डल आइज। अभी ट्रिकी ने उन सभी को बहुत ही डलनेस के साथ देखा, बिकॉज ट्रिकी वॉज नॉट फीलिंग वेल। सो यहाँ पे पैक क्या है, ग्रुप ऑफ डॉग्स, ठीक है, ग्रुप विद डल आइज, क्योंकि उसकी आंखों में कोई शाइन नहीं था, वो बीमार था। एंड वेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे उतारा गया, ले मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स क्या होता है कि जैसे किसी भी में कोई जिंदगी नहीं होती है, विदाउट एनी मोशन। तो मोशनलेस मीन्स क्या होता है, साइलेंट, वो बिल्कुल लेटा रहा, बिल्कुल चुपचाप, ही वॉज साइलेंट, बिल्कुल चुप था ट्रिकी। उसने कोई मूवमेंट नहीं की, वहां पे इतने सारे डॉग्स, वैसे तो कोई डॉग्स जो है किसी भी डॉग को देखते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते, बार्किंग करना शुरू कर देते, लेकिन यहाँ पर ट्रिकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सो ऑन द कार्पेट, तो ही वॉज लेइंग मोशनलेस ऑन द कार्पेट। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग मीन्स क्या होता है, स्मेलिंग, स्निफिंग सूंघना, यस स्निफिंग हो गया आपका, स्मेलिंग विद नोज, स्मेलिंग विद नोज। उन्होंने द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग उसको स्मेल किया, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, चारों तरफ उसके घूमे, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब ट्रिकी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो ट्रिकी है वो एक अनइंटरेस्टिंग थिंग है। ही कौन है यहाँ पे, ही ट्रिकी के लिए यूज हुआ है, तो उन्होंने ट्रिकी को एक अनइंटरेस्टिंग थिंग छोड़ करके उन्होंने सोचा और उसको इग्नोर किया और वो वहां से चले गए। यस आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अभी डॉक्टर ने क्या किया है, वहां पर उन्होंने एक खुला जो बॉक्स है वो ले लिया है और वहीं पर उसके लिए एक बेड बना दिया है जहां पर जो और कुत्ते हैं, डॉग्स जो है वो भी सोते हैं। फॉर 2 डेज आई कैप्टन आई, तो उन्होंने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन, कैप्टन आई का मतलब क्या होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन, टुक अंडर ऑब्जर्वेशन। उन्होंने 2 दिन तक ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा एंड गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। नाउ दिस इज द थिंग दैट वी विल स्टडी, जब हम ये चीजें देखेंगे कि आगे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किस तरह से दिया। यस दैट वॉज द थिंग विच इज द मेन थिंग इन द चैप्टर, दैट ट्रिकी डिड नॉट गेट एनी फूड, ही जस्ट गॉट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको बहुत सारा पानी दिया गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू विम्पर। अभी जैसे ही दूसरा दिन खत्म होने वाला था तो उसने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना शुरू करा। विम्पर मीन्स क्या होता है, टू क्राई इन पेन, टू क्राई इन पेन। उसने थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। वेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, क्योंकि जो यार्ड में बहुत सारे डॉग्स थे वहां पे सर्जरी के अंदर, वो जब वहां पर उनकी आवाजें सुनता था तो वो विम्पर करता था, वो उनको रिस्पॉन्ड करना उसने शुरू किया 3rd डे। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ट्रिकी जो है लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। ट्रॉटेड आउट मीन्स क्या होता है, मूव्ड आउट, बाहर निकला वो, मूव्ड आउट वो बाहर निकला। एंड वॉज इमीडिएटली एनगफल्ड बाय जॉ, एनगफल्ड मीन्स क्या होता है, एनगफल्ड होता है सराउंडेड बाय, घेर लिया उसको, सराउंडेड बाय, एनगफल्ड सराउंडेड बाय, एनगफल्ड बाय जॉ।
द ग्रे हाउंड। अब यहाँ पे देखिए, जो एक ग्रे हाउंड कौन होता है? इट्स अ लार्ज थिन डॉग। ग्रे हाउंड एक स्पीसीज है डॉग की, लार्ज थिन डॉग, एक ऊंचा सा, एक पतला सा कुत्ता होता है जो कि बहुत तेज दौड़ता है। रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है वो, रन्स वेरी फास्ट। तो वो भी वहां पर था और उसका नाम क्या था? जो था। एंड हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मीन्स अदर डॉग्स, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम। अब उन्होंने क्या किया, उसको रोल किया और उसके बाद उसको इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? चेकिंग। इंस्पेक्टिंग मीन्स क्या हो गया? यस, चेकिंग। उसका थोड़ा सा चेकिंग किया उन्होंने, इंस्पेक्शन किया उसका। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसका चेकिंग करने के बाद, क्योंकि उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड दैम। अभी ट्रिकी ने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया है, तो जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, डॉग्स गार्डन की तरफ जाते हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। सरप्लस क्या होता है? एक्स्ट्रा। बिकॉज वो बहुत ज्यादा खाता था, इस वजह से वो काफी फैट हो गया था। उसकी जो बॉडी थी उस पे जो फैट थी वो काफी एक्स्ट्रा आ गई थी। अभी वो धीरे धीरे रोल करता हुआ उन डॉग्स के पीछे पीछे जाता है अपनी एक्स्ट्रा फैट को लेकर के। लेटर दैट डे, और उस दिन के बाद से, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई कौन है? मिस्टर हैरियट। अभी वो यहाँ पर उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, इवन जब उनके खाने का टाइम होता है। सो आई वॉच्ड वाइल्ड ट्रिस्टन। ट्रिस्टन कौन है? उनका केयर टेकर है उन डॉग्स का, जो उनको फीड भी करता है और उनके लिए खाना लेकर के आता है। स्लॉप द फूड इन टू द बॉल्स। अभी स्लॉप्ड मीन्स क्या होता है? स्लॉप्ड होता है स्पिल्ड। स्पिल्ड, स्पिल्ड मीन्स होता है डालना, उड़ेल देना। यस, तो यहाँ पर जो ट्रिस्टन है उसने खाना जैसे ही बॉल्स के अंदर डाला, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो जैसे ही खाना डाला गया, आपने देखा होगा डॉग्स बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो उस तरह की बहुत सारी जो आवाजें थी खाना डालते ही वहां पर शुरू हो जाती हैं। एंड एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड। हर कोई, जो जितने भी वहां डॉग्स थे, वो इस बात को जानते थे कि अगर वो पीछे रह गए खाना खाने में, द अदर्स, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। मीन्स टू से दैट अगर कोई भी डॉग पीछे रह जाता है खाने में, तो उसको एक कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। किस चीज का? कि आखिरी में खाना किस तरह से मिलेगा, मतलब लास्ट में उसको खाना खाने के लिए, फिर खाना लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। सो लाइबल, लाइबल मीन्स क्या होता है? लाइकली टू फेस, लाइकली टू फेस, इट मीन्स उसको एक कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा खाने के लिए। यस, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर। तो अभी जो हमारा चलने वाला, दिस इज अबाउट द रैपिड प्रोग्रेस। अब हम क्या करने वाले हैं? रैपिड प्रोग्रेस। और ये जो रैपिड प्रोग्रेस है, ये किसके अंदर आ रही है? अभी ट्रिकी के अंदर। बिकॉज यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट है, उसको बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर भी दे रहे हैं, उसको टेक केयर कर रहे हैं, उसको बहुत सारी एक्सरसाइज दी जा रही है। तो अभी आगे क्या चल रहा है? व्हेन दे हैड फिनिश्ड। अब हमारा जो पार्ट है चैप्टर का, वो आगे कंटिन्यू होता है। अभी खाना जो है डॉग्स ने खा लिया है, वो वहां से चले गए हैं। ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स। अभी क्या है? खाना खत्म है, तो जो बोल्स है वो शाइन कर रही है, मीन्स वहां पे खाना नहीं है, खाली बॉल्स जैसे शाइन करती है। तो इस तरीके से वो जो शाइनिंग बॉल्स है, उसके चारों तरफ वो एक राउंड लेता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और लिक करता है। लिक का मतलब क्या होता है? स्वूपिंग विद टंग, जीभ से चाटना जिसको बोलते हैं। सो यहाँ पर वो लिकिंग करता है एक दो में। एंड नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अभी नेक्स्ट डे मिस्टर हैरियट क्या करते हैं कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल रखा जाता है खाने के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। तो इसको देख करके नरेटर को बहुत खुशी होती है कि जो ट्रिकी है वो खाने के लिए अभी अपने लिए थोड़ा सा रास्ता बना रहा था। जोसलिंग मीन्स क्या होता है? जोसलिंग मीन्स होता है कि जब आप किसी को पुल करते हैं, पुलिंग करते हैं, धकेलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जोसलिंग पुलिंग। तो अभी वो डॉग्स के बीच में धक्का लगाते हुए अपना रास्ता बना रहा था। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। रैपिड मीन्स क्या है? फास्ट। तब से मिस्टर हैरियट ने ऑब्जर्व किया कि ही वॉज फास्ट
फास्टली रिकवरिंग, कि उसकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छे से हो रही थी. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद डॉग्स. वो पूरा दिन क्या करता था, डॉग्स के साथ दौड़ता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस. स्क्रीमेजेस क्या होता है, फाइट्स. जैसे आपस में वो लड़ते रहते थे, तो वो उनके साथ क्या करता था, उनकी फाइट्स में अपने आप को ज्वाइन करता था. वो उनको ज्वाइन कर लेता था और उनके साथ खेलता था. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बींग बोल्ड ओवर. बोल्ड ओवर मीन्स क्या होता है, उलेट देना, उल्टा कर देना. ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ट. ट्रैम्प्ड क्या होता है, ट्रैम्प्ड होता है आपका लाइक क्रश्ड, जैसे हम किसी चीज को क्रश कर देते हैं, क्रश्ड, ट्रैम्प्ड, क्रश्ड. और उसको जो अदर डॉग्स होते थे उसमें भी उसने खुशी ढूंढना शुरू किया था जब वो उसको उल्टा पलटा करते थे, उसको स्क्वेस्ट कर देते थे, उसको क्रश्ड कर देते थे. एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट के अंदर ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. यानी उस ग्रुप का वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था जब वो बिगनिंग में आया था. सो ट्रिकी वॉज एन अनइंटरेस्टिंग थिंग फॉर अदर डॉग्स. लेकिन अभी धीरे धीरे उसने उनको ज्वाइन कर लिया है, अभी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. एंड नाउ ही हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. लाइक दिस यू कैन से, कि इस तरह से देखिए वो उनकी गैंग में खेल रहा है, उनके साथ एंजॉय कर रहा है. एंड अनलाइकली, अभी वो दूसरे डॉग से बिल्कुल अलग था. रीजन, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू. यानी शेगी क्रू मीन्स क्या होता है, क्रू क्या होता है, ग्रुप. यानी जबरे जो बाल लटकते हैं, हैंगिंग जो बड़े बड़े बालों वाले डॉग्स के बीच में, वो एक सिल्की ऑब्जेक्ट. तो शेगी क्रू मीन्स क्या हो गया, शेगी होता है आपका, यस, ड्रॉपिंग रफ हेयर. जिनके मोटे मोटे बाल होते हैं वो डॉग्स के बीच में एक वो सिल्की ऑब्जेक्ट की तरह था. क्रू क्या होता है, यस, ग्रुप. सो उनके बीच में वो बिल्कुल अलग लगता था, बहुत क्यूट था वो. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स. अभी जब भी खाने का टाइम होता था तो वो डॉग्स के बीच में एक टाइगर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता था और अपने शेयर के लिए वो अब लड़ता था. एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट. और रात के अंदर रेट्स की हंटिंग किया करता था जो पीछे एक उन्होंने हेन हाउस बनाया हुआ था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. उसने अपनी जिंदगी में इस तरह का इंजॉयबल टाइम कभी भी स्पेंड नहीं किया था. वो सिर्फ मिसेस पैम्परे के साथ रहता था. अदर डॉग्स के साथ इंजॉय करने का जो उसको अपॉर्चुनिटी मिला था, इट वॉज ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दैट्स वाई ही वॉज इंजॉइंग अ लॉट. यस, अभी इतना हमने देख लिया कि किस तरीके से मिसेस पैम्फ्री का जो डॉग है ट्रिकी, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है बाय मिस्टर हैरियट, और वो अभी थोड़ा बहुत रिकवर भी कर रहा है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मिसेस पैम्फ्री है वो बहुत ही ज्यादा वरिड है अपने डॉग के लिए. सो वो किस तरह से, वो देख लेते हैं हम. ऑल द वाइल मिसेस पैम्फ्री होवर्ड. होवर्ड मीन्स क्या होता है, हंग ओवर. हंग ओवर वैसे तो मंडराना बोलते हैं, जैसे बादल मंडराते हैं, हंग ओवर. तो अभी जो है बेचैनी के साथ जो मिसेस पेम्फ्रे है उसको बहुत ही ज्यादा बेचैनी है. बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड आप सपोज कर सकते हैं कि पीछे वो काफी चिंतित है अपने ट्रिकी के लिए. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. बुलेटिन्स में क्या होता है, न्यूज. और वो बहुत ही ज्यादा वरिड है इस चीज को लेकर के कि उसका जो पेट डॉग है वो कैसा होगा. और इसीलिए दिन में कम से कम 12 टाइम्स वो फोन करती है ये जानने के लिए कि उसका जो ट्रिकी है वो कैसा है. आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. अभी क्या है, यहाँ पे देखिए डोज्ड. डोज्ड का मतलब क्या होता है, इग्नोर्ड. अभी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया उनके क्वेश्चंस को. कौन से क्वेश्चंस को वो इग्नोर करते थे, जिसमें ये था कि वो मिसेस पैम्फ्रे पूछती थी क्या उसके क्वेश्चंस को प्रॉपरली रेगुलरली उनको टर्न किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर उसको वेदर के अकॉर्डिंग उसके कोट्स जो है वो पहनाए जा रहे हैं या नहीं पहनाए जा रहे हैं. तो इसीलिए वो यहाँ पर इन सब चीजों को क्या करते थे, अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे. सो डोज्ड मीन्स क्या होगा, अवॉइडेड. क्योंकि उनका आंसर वो देना जरूरी नहीं समझते थे कि ये सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर. लेकिन हाँ, मैंने उनको इतना जरूर बता दिया था कि वो प्यारा सा जो ट्रिकी है, नाउ ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, अभी वो खतरे से बाहर है. एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली. कन्वेल्सिंग मीन्स क्या होता है, रिकवरिंग. जैसे एक बीमारी के बाद रिकवरिंग हम करते हैं, रिकवरिंग.
और मैंने ये बता दिया कि अभी उसकी रिकवरी हो रही है और काफी फास्टली हो रही है। द वर्ल्ड कन्विंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्री, लेकिन यहाँ पर मिसेस पैम्फ्री ने कन्विंसिंग का जो मीनिंग था वो शायद कुछ और ही निकाल लिया था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अभी उन्होंने क्या किया, मिसेस पैम्फ्री ने फ्रेश एग्स जो है वो लाना शुरू कर दिया, 2 डजन एट अ टाइम। 2 डजन एग्स जो थे वो एक टाइम में आते थे, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, कि जिससे ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव किया जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अभी यहाँ पर देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि ये जो एग्स थे मिसेस फैम्फ्रे किसके लिए भेजती थी, द एग्स वर सेंट फॉर ट्रिकी, लेकिन यहाँ पर उसको एंजॉय कौन कर रहा है, डॉक्टर और उसके पार्टनर, क्योंकि जो डॉक्टर है वो शायद इतने रिच नहीं है जितने मिसेस पेम्फ्री है। अभी वो क्या करते थे, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में उनको 2 एग्स जो थे वो मिल जाते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अभी क्या है, वाइन बॉटल्स आना शुरू हो गई है, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। आप सबको ये एक्चुअली में समझ में आया कि ये सब चीजें जो हैं वो क्यों आ रही हैं, कि एग्स आ रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पर वाइन की बॉटल्स आ रही है, तो एकदम से उनको आइडिया आया कि ये सब चीजें जो हैं वो किस लिए आ रही हैं। सो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा आइडिया लगाया इस चीज के लिए कि ये सब चीजें किसके लिए हैं, ये यहाँ पर ट्रिकी के लिए हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, क्योंकि इन सब का जो आने का जो मीनिंग था वो क्या था कि ट्रिकी का जो स्ट्रेंथ है उसको वापस लेकर के, कि जब हम वीक फील करते हैं या हम रिकवरिंग कर ले रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें कुछ अच्छा खाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मिसेस पेम्फ्री जो है उनकी भी सोच यही है कि उसकी रिकवरी के लिए किस चीजों की जरूरत है, यहाँ पे एग्स की जरूरत है, वाइन की जरूरत है, तो ये सब चीजें जो है वो किसके थ्रू भेजी जा रही है, यहाँ पे मिसेस पेम्फ्री के। सो एनरिच मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, मेक रिच, कि उसको और ज्यादा स्ट्रोंग बनाने के लिए यहाँ पर इन सब चीजों की जरूरत है। लंच बिकेम आ सेरिमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अभी यहाँ पे देखिए लंच उनके लिए एक सेरिमोनियल ओकेजन बन गया। सेरिमोनियल ओकेजन क्या होता है, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, यस टाइम फॉर सेलिब्रेशन। टाइम फॉर सेलिब्रेशन क्यों हो गया है, बिकॉज ब्रेकफास्ट में एग्स मिल रहे हैं, लंच से पहले वो 2-2 ग्लासेस बियर की ले लेते हैं और उसके अलावा भी खाने के साथ साथ बहुत बार वो ड्रिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट हैं वो अपने पार्टनर के साथ, अपने जितने भी वहां पर लोग काम करते हैं उनके साथ, वो जो खाना भेजा जा रहा है, वाइन भेजी जा रही है मिसेस पैम्फ्रे के थ्रू, उन सबको वो एंजॉय कर रहे हैं। यस, अभी वाइन को एंजॉय किया जा रहा था। वी कुड हार्डली बिलीव इट वेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पर उनको विश्वास भी नहीं हुआ जब ब्रेंडी, पहले तो एग्स आ रहे थे फिर वाइन आई और अब क्या आना शुरू हो गया है, ब्रेंडी आना शुरू हो गया है। तो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ब्रेंडी भेजी जा रही है और वो किस लिए थी, इट वॉज फॉर ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए अभी ब्रेंडी का आना शुरू हो गया है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, और कुछ दिनों के लिए उन्होंने, कुछ रातों के लिए खूब एंजॉय किया। इनहेल्ड, इनहेल्ड मीन्स होता है किसी चीज को इनहेल करना, स्मेल करना, सूंघना, एंड रिवरेंटली ड्रंक। रिवरेंटली मीन्स क्या होता है, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली मीन्स टू से दैट दे वर एंजॉइंग ब्रैंडी एट नाइट एंड दे वर ड्रिंकिंग रिस्पेक्टफुली एंड दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट, और उनके लिए ये जो दिन थे वो डीप सेटिस्फेक्शन वाले थे, सेटिस्फेक्शन, बिकॉज ब्रेकफास्ट में एग्स मिल रहे हैं, तो लंच में वाइन ली जा रही है और रात में डिनर में उनको यहाँ पर ब्रैंडी मिल रही है, तो ये सब चीजें जो हैं उनके लिए क्या था, एक डीप सेटिस्फेक्शन था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड। सस्टेन्ड मीन्स क्या होता है, मेंटेन्ड, किसी चीज को बना करके रखना, मेंटेन्ड बाय द
मिडी वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली. लग्जूरियसली मीन्स विद लग्जरी, शान और शौकत के साथ. विद लग्जरी राउंड द फायर विद द ब्रेंडी. तो जैसे रात को उनका डिनर होता था, जला करके बैठ जाते थे चारों तरफ और किसको एंजॉय करते थे, खाना एंजॉय करते थे, ब्रेंडी एंजॉय करते थे. सो इट वॉज जस्ट लाइक अ सेरेमोनियल ओकेजन फॉर ऑल द पार्टनर्स एंड मिस्टर हैरियट एंड दे वर एंजॉयिंग इट अ लॉट. यस, सो जब वो इतना एंजॉय कर रहे थे तो वो क्यों चाहेंगे कि ट्रिकी सर्जरी को छोड़ करके जाए. सो ऐसा ही होता है. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. पर टेम्पटेशन मीन्स क्या हो गया, अट्रैक्शन. अट्रैक्शन तो अब वो सभी चाहते थे कि काश ट्रिकी यहाँ पर परमानेंट ही रह जाए, परमानेंट गेस्ट बन जाए. बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्ट नाइट. लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पेम्फ्रे उसको कितना याद करती थी और उसके बाद बहुत, जब उसका जो टाइम कंप्लीट होने वाला था 15 डेज का, फेल्ट कंपेल्ड. कंपेल्ड मीन्स क्या होता है, फोर्स्ड. अभी डॉक्टर को लगा कि अभी टाइम पूरा हो गया है एंड नाउ ही वॉज फोर्स्ड टू फोन. अभी उसको कॉल करना था एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो वो डॉग है वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. और आइए आप उसे कलेक्ट करके ले जाइए विद इन मिनट्स. और जैसे ही मिसेस पेम्फ्रे को ये पता चला कि उनका ट्रिकी ठीक हो गया है, कुछ ही मिनटों के अंदर अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग, शाइनिंग, एक चमचमाती हुई ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. 30 फीट की चमचमाती हुई गाड़ी जो थी सर्जरी के बाहर आकर के खड़ी हो गई. द शॉफर, शॉफर मीन्स यहाँ पे देखिए सी एच को श साउंड करना, शॉफर. शॉफर कौन है यहाँ पे, ड्राइवर. द शॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. वो अपना कुछ जो अंदर का जो साजो सामान था, इंटीरियर मीन्स क्या होता है, अंदर की जो चीजें हैं, वो कुछ ठीक कर रही थी. तो मैं उसकी वजह से मिसेस पेम्फ्रे को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाया. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ड. क्लैस्ड मीन्स क्या होता है, जॉइंड टूगेदर टाइटली. अब इसने क्या किया हुआ है, अपने हाथों को ऐसे टाइटली ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन टूगेदर टाइटली, ज्वाइंड टूगेदर टाइटली. अपने हाथों को टाइटली उन्होंने ऐसे ज्वाइंट किया हुआ है एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो लिप्स हैं वो कांप रहे थे, शुक कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू मी टेल मी द ट्रूथ, कि प्लीज क्या आप मुझे सच बताएंगे, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो गया है. यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको जरूरत नहीं है कि आप कार से बाहर आए. आई गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूं और आपके लिए उसे लेकर के आता हूं. फैच हिम मीन्स ब्रिंग. यस, बिकॉज मिस्टर हैरियट अब अंदर जाएंगे और उसको डॉग को लेकर के आएंगे, ट्रिकी को अंदर से. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से गार्डन की तरफ गया. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन. अब मैंने देखा, मास मीन्स क्या है, ग्रुप, कि जो डॉग्स का जो ग्रुप था. हर्टलिंग मीन्स क्या होता है, यस हर्टलिंग रनिंग फास्ट, बहुत जोरों जोरों से वो भाग रहे थे सभी डॉग्स वहां पर गार्डन के अंदर, राउंड राउंड एंड इन देयर मिडेस्ट. मिडेस्ट मीन उनके बिल्कुल बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को मूव करते हुए, फ्लैप करते हुए. फ्लैपिंग मीन्स क्या होता है, वेविंग, वेव करते हुए, वेविंग, टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. तो उन डॉग्स के बीच में जो ट्रिकी है, जिसका गोल्डन फिगर यानी कि जो सुनहरी फिगर, क्योंकि वो बहुत क्यूट था, सबसे ज्यादा क्यूट यहाँ पे ट्रिकी ही था. सो इसीलिए वो बीच में नजर आता है अपने कानों को फड़फड़ाते हुए और अपनी टेल को मूव करते हुए. इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथे. अब यहाँ पे देखिए, उन 2 सप्ताह के अंदर, बिकॉज 15 डेज का उसका टाइम था, तो इन 2 वीक्स के अंदर वो एक लिथे, मीन्स क्या होता है, लिथे होता है बेटा फ्लेक्सिबल. यस, अब उसकी जो बॉडी थी वो काफी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी, फ्लेक्सिबल, ठीक है. सो
अभी उसकी जो बॉडी थी वो आया था जब बिल्कुल इनएक्टिव था, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन अभी उसका बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो गया, हार्ड मसल्ड एनिमल जो एकदम से हेल्दी मसल्ड एनिमल्स होता है उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो उनका जो जो अदर डॉग्स थे उसके साथ उनकी बहुत अच्छी बन रही थी। ट्रिकी की स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, ग्रेट बाउंड्स, बाउंड्स मीन्स क्या होता है, जंप्स, और उनके साथ वो खूब ऊंचे ऊंचे जो जंप्स था वो ले रहा था, खेल रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी ऑलमोस्ट किसको वहां पे टच कर रही थी, ग्राउंड को टच कर रही थी। इट मीन्स उसका ये जो ट्रांसफॉर्म होकर के जो नया उसका जो यहाँ पे रूप आया था वो इतना ज्यादा सुंदर था कि वो एक हेल्दी एनिमल लग रहा था। जिस एनिमल को मिस्टर हैरियट लेकर के आए थे वो पूरी तरह से एक हेल्दी एनिमल में चेंज हो चुका था। यस, अब देखिए हम लास्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो डॉग है उसको मिस्टर हैरियट अपने साथ ले आए हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको पीछे से रास्ते से होते हुए घर के रास्ते से बाहर निकलते हुए घर के सामने उसको ले आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और अभी भी ड्राइवर ने दरवाजा कार का पकड़ा हुआ था, खुला हुआ था वो। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा, डॉग्स कभी भी अपने मास्टर या मिस्ट्रेस को नहीं भूलते हैं, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी ओनर को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी जो मैंने उसको गोदी में लिया हुआ था वो जल्दी से उस मेरी गोदी से उतरा इन अ ट्रिमेंडियस लीप। ट्रिमेंडियस मीन्स क्या होता है, यूज यूज, और लीप मींस क्या है, जंप। उसने एक बड़ा सा जंप लिया, जंप, एंड सेल्ड, सेल्ड मीन क्या होता है, रेन फास्ट, और बहुत तेजी से वो अपनी मिस्ट्रेस की तरफ दौड़ा, एंड इनटू मिसेस पैम्फ्रेज लैप, और उसकी गोदी में जाकर के वो बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टेड, अब जैसे ही उसने अपने डॉग को देखा अचानक से वो उसकी गोदी में आ गया, तो शी वॉज अमेज्ड, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी। यस, Startled means amazed. Oh, and then had to defend herself. Defend means protect. क्योंकि वो एकदम से उसकी गोदी में आकर के बैठ गया था, तो उसे अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ा, अपने आप को संभालना पड़ा। Herself as he swarmed over her. Swarmed means climbed her. वो जल्दी से उसके ऊपर आकर के बैठ गया। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसके फेस को लिक कर रहा था, बार्किंग कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, अब जो वो आपस में अपना एंजॉय कर रहे थे, इतने लंबे टाइम बाद वो दोनों मिले थे, तो इसी बीच डॉक्टर ने डिसाइड किया कि मैं जल्दी से शॉफर को ले जाकर के उसका सारा जो सामान है, कौन कौन सा, उसके बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, None of which had been used. इसमें से कुछ भी यूज नहीं किया गया था, लेके वो आए थे लेकिन इसमें से कुछ भी यूज नहीं किया गया था। As the car moved away, और जैसे ही कार वहां से जा रही थी, Mrs. Pamfrey leaned out. Lean out means क्या होता है? Yes, bent her head out. Bent her head out. तो उन्होंने गाड़ी से अपना जो सिर था वो बाहर निकाला। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में जो आंसू थे वो चमक रहे थे। मीन्स टू से दैट शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उसने जोर से चिल्ला करके कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, आपका धन्यवाद मैं कैसे कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मीन्स क्या हो गया, विक्ट्री। यस, तो ये किसकी जीत है, ये सर्जरी की जीत है। सर्जरी मीन्स यहाँ पर ऑपरेशन भी है, ठीक है। तो उसने सोचा कि शायद उसका कोई ट्रीटमेंट किया गया है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रिकी को यहाँ पर कलेक्ट किया गया उसके सामान के साथ में, और दोनों उसके जो मिस्ट्रेस हैं और जो ट्रिकी है वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सो इट वॉज अबाउट योर चैप्टर, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा, और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पार्ट वन में पूछे थे उसका डेफिनेटली आप मुझे आंसर करेंगे। सो जस्ट बीइंग कनेक्टेड विद अस एंड एंजॉय द इन्फॉर्मेटिव वीडियोज विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।